अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं अभी मौजूद हूँ मिनिएचर स्टूडियो में, इन लोगों का काम देखते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है और सारा कुछ। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुमा खान और मेरा टॉपिक है मुरक्का ज़िंदगी। मुरक्का का असल मतलब होता है एल्बम, और मुरक्का ज़िंदगी का मतलब लाइफ की एल्बम, एल्बम ऑफ योर लाइफ। अब मुरक्का ज़िंदगी और नॉर्मल एल्बम में ये फ़र्क होता है कि जो नॉर्मल एल्बम होती है उसमें सिर्फ फोटोग्राफ्स होती है, मगर जब हम मुरक्का की बात करते हैं तो मुरक्का का मतलब होता है एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ जो मेरी सारी एल्बम लगी हुई है, मेरी पेंटिंग्स लगी हुई है, मेरा डिस्प्ले है, दिस इज़ ऑल अबाउट माई मेमोरीज एंड माई एक्सपीरियंसिस आई हैड इन माई लाइफ। ये वाली स्पेसिफिक पेंटिंग इज़ अबाउट पार्क, दिस वन इज़ अबाउट पार्क। अदर वन इज़ अबाउट लेटर्स, कि किस तरह हम अपनी मेमोरी में पहले लेटर्स लिखा करते थे, जो अब बहुत आउट फैशन हो गया है, मगर मेरे लिए नहीं, मेरे लिए मेरी मेमोरी है। फॉर दिस वन, ये हम लोग की चाइल्डहुड मेमोरी में सबको कार्टून्स याद होंगे, एंड दिस वन इन स्पेसिफिक स्पू विनी द पूह, क्योंकि इस तरह के हमारे पास टॉयज भी थे और कॉमिक्स भी। दिस वन इज़ अ मेमोरी ऑफ होम सिकनेस, कि अगर आप किसी इंसान को बहुत याद करते हैं, किसी इवेंट पर याद करते हैं, सो दिस इज़ अबाउट अ बर्थडे एंड अ पर्सन जिसके साथ ही मेमोरी एसोसिएटेड थी। ये मेरे स्कूल की फ़ोटोग्राफ है, स्कूल के फंक्शन की फ़ोटोग्राफ। इसमें हम ये देख सकते हैं कि मेमोरी हमेशा इक्वल नहीं होती, कोई हमें याद होता है, कोई नहीं होता, कोई कम होता है, कोई इक्वली होता है, और जो पूरा पोर्ट्रेट है मेरा अपना है। ये वाला बेसिकली एक आर्किटेक्चर है, कि किस तरह एक नॉर्मल, ये टू स्टेप पेंटिंग है, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर देयर, जो एक बॉक्स है जिसमें ये दिखता नज़र आता है कि काफ़ी सारे एज अ किड हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करके ईजी चीज़ों में याद रखते थे। तो दिस इज़ द हार्डर पार्ट, और जो सार डिस्प्लेड है वो उसी आर्किटेक्चर का ईजी पार्ट है, कि हम उसको किस तरह से, जैसे इवन तारों के गुच्छे को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ वेब, किस तरह होते थे ये धागों के। और जो लास्ट वन है, दिस इज़ द व्हील, ये काइंड ऑफ मेमोरी व्हील है जो अनस्टॉपेबल है, हमारी मेमोरी अनस्टॉपेबल होती है, आप घूमते जाएं ये ख़त्म नहीं होगा, दैट सेम गोज अराउंड विद आवर मेमोरीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशबख्श जहान और मेरे टॉपिक का नाम है सफ़रनामा। पिक्चर देखो तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये एक लोकल बसेस पे मैंने काम स्टार्ट किया था, क्योंकि उसमें मैं खुद सफ़र करती हूँ, तो मैंने उसे कोई अपनी मिनिएचर पेंटिंग में दिखाया है। क्या कहाँ जाते हैं सफर? मैं दुनियापुर से बाहुलपुर तक का सफ़र करती हूँ लोकल बसेस पे, मंठाड़ त्यारा, ब्रैज त्यारा, छिबाज गुजर, ये सारी जो कोचेज हैं बसेज हैं इन पे। इसमें ये मैंने टिकट्स दिखाई हैं, क्योंकि ये इसमें स्टूडेंट्स को स्टूडेंट टिकट्स देते हैं, तो उसमें मैंने अपनी सारी टिकट्स उधर लगाए, कहीं पे वो मुझे किराया लेते हैं स्टूडेंट्स से, कहीं पे वो नहीं कहते। तो इस तरह इसमें मैंने बस, जो बस का ड्राइवर होता है ना, उसकी स्टोरी को दिखाया है, कि वो कहता है सवारी 90 ना 90, बस 80 90, लोकल बस वाले वैसे जैसे बसेज उड़ाते हैं,
नहीं नहीं, ये इंस्पिरेशन मैंने 7th क्लास एक लेसन था कराची की बस में सफ़र हो रहा है उससे ली हुई है, वो भी लोकल बसेस पे था ना, ये उसमें जो लोग चीज़ें बेचने आते हैं उसमें मैंने सिर्फ रेवड़ी वाले को दिखाया क्योंकि ये लोग सब लोग ख़रीद लेते हैं चाहे वो अमीर हो गरीब हो एवरेज जैसा भी हो, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स तो हम लोग कोई भी खरीद ही सकते ना, ही मैं उनको पेंटिंग्स में दिखा सकती थी क्योंकि ना उनके मुझे फ़ायदे और नुकसान कुछ भी नहीं दिखाना था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। मैंने जो मेरा आर्ट वर्क था वो ये था कि SPS की मॉस्क पे काम किया है और इसको मैंने किसी काफ़ी डिफरेंट टेक्निक से खुद से प्लान करके एज अ प्लान है ना मैंने इसको बनाया, ये एज इट इज़ बिल्कुल नहीं उठा के है ना मैंने बनाया। और ये जो है यहाँ से हम है ना इस पेंटिंग में ये है कि यहाँ से एंट्रेंस लेके मैं पोर्च तक है ना जो कोर्ट यार्ड है, फिर उसके बाद हम पोर्च तक एंटर होंगे, बस इतना बनाया। इसके बाद इसके पोर्च से लेके मेन हॉल तक हम है ना एंटर होंगे जहाँ पे नमाज भी पढ़ी जाती है और मेहराब, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस हॉल की जो है वो है मेहराब। तो मैं ले कर चलिएगा, ठीक है इंशाल्लाह ले कर भी जरूर जाऊँगी। इसी तरीके से मैं अपने आर्ट वर्क के थ्रू है ना SPS को विज़िट करवाना चाहती हूँ। ये मेन गैलरी है, ये उसका मोटिव है, उसको मैंने मिरर रिफ्लेक्ट करके दोबारा से है ना बदल, ये मेहराब में मोटिव बना हुआ है एक्चुअली में। मेरा नाम कुरतुल ऐन है और मैं जर्नी पे काम कर रही हूँ। इसमें मैंने दुख ज़िंदगी के चक्कर के बारे में बताया, इसके मैंने बताया कि दुख और सुख की ज़िंदगी, यानी कि ना हरियाली को मैंने खुशी के से रिलेट किया और बंजर को मैंने दुख से रिलेट किया। क्या चीज़ लगाई है? ये मैंने कागज़ जले हुए कागज़ लगाए हैं और ये मैंने ब्लीच के साथ काम किया है, वो नीचे ब्लैक कलर करके ना ऊपर ब्लीच के साथ काम करके डिफरेंट कलर्स की शेड निकालें। और ये मैंने अंडे के साथ काम किया, यानी अंडों को मंजर जमीन दिखाया और फूल ऊपर बनाए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मजीदा माई है। मैंने ये टॉपिक इसलिए क्योंकि मैंने खुद इसकी एक्सपिरेशन की इंस्पायरेशन अपने गांव से लिया है, अपनी माँ और अपनी सिस्टर से, और ये काम मैंने खुद किया है मतलब अपने हाथों से। पहले इसको खुद बनाया है कपड़े के साथ, फिर इसको मैंने पेंट किया है। मिनिएचर की टेक्निक मैंने यूज़ किया है, मतलब गादरंग यूज़ किया है जिसके अंदर हम सफ़ेदा मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस पे सारे पे सफ़ेदा मिक्स किया है सारे कलर स्कीम पे, और इसमें सारे कलर यूज इस्तेमाल कर सकते हैं पैलेट के जो भी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा जो टॉपिक है वो माय टॉय स्टोरीज, मेरी सारी बचपन की जो मैं जिन टॉयज़ के साथ खेलती रही हूँ मेरा वो मैंने उसी पे काम किया है। कुछ के साथ जिस तरह आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, कुछ के साथ आपकी अच्छी मेमोरीज़ नहीं होती, आप हमेशा याद करते हैं। तो कभी कभार होता है कि उस चीज़ को याद करते हैं और आपको होता है कि नहीं यार मैंने ये क्या किया बचपन में। जैसे ये मेरी स्टोरी है, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो है इस
लास्ट में हम 14 अगस्त को हम लोग लगाते होते थे, सारे कज़न्स मिलके, बहन भाई मिलके लगाते होते थे। तो मेरे भाई छत से गिरे थे, उनकी टांग टूट गई थी उस टाइम। उसके बाद हमने आज तक वो झंडियाँ नहीं लगाई। और जिस तरह मेरी बचपन पे बहुत सारी इस तरह होती है, हर किसी का होता है बचपन में, ये चीज़ें होती हैं, हर कोई खेलता है अपने बचपन में। और मैंने ये सोचा था कि मैंने जब मैंने अपने ये जो है काम, मैं अपने आर्टवर्क में इसको करूँगी, तो इसलिए मैंने ये अपना काम जो है अपने बचपन की खिलौनों को मैंने अपने आर्टवर्क में। और ये बैलून्स हैं, ये मेरे बाबा हमेशा मेरे लिए गाड़ी भर के लेके आते होते थे, मेरे रूम में हमेशा रहते थे और कभी भी ख़त्म नहीं होते थे। और मैं इंस्पायर जो थी वो सिद्रा लियाकत से हुई थी। उनका जब मैंने काम देखा था, उन्होंने अपने बचपन पे काम किया था, उन्होंने टॉयस पे काम किया था, उनसे मैं इंस्पायर हुई थी। तो मैंने ये कहा था कि नहीं, मुझे भी अपनी मेमोरीज याद हैं, तो मैं अपना जो आर्ट वर्क है, वो जो काम करूँगी, अपना थीसिस का टॉपिक है, वो मेरा यही होगा। आपके और उनके काम में डिफरेंट डिफरेंस, मैंने जो लाइन वर्क किया है वो मैंने बहुत डिटेलिंग में किया, उन्होंने थोड़ा सा वो किया था 3D में शेप लेके आई थी वो, मैंने थोड़ा सा 2D में रखा है। अपने जो टॉयस को है वो इतना ज़्यादा डिटेल में मैंने 3D नहीं किया, मैंने 2D में किया है। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आमना सदीक, माय टॉपिक मुजारी जो जिसे खुसा कहते हैं पंजाब में, इसे खुसा मतलब जूती भी कहते हैं। और मुजारी का आगाज़ मुग़ल दौर में शुरू हुआ था, जहाँ मतलब जहांगीर की बीवी ने यह खुसा डिज़ाइन किया था और यह दौर हुकूमत में मशहूर हो गया था। इसलिए जो मुजारी का आगाज़ मुग़लों दौर में शुरू हुआ था, और जो मैंने उस समय जो टॉपिक उस समय जो मैंने काम किया इस पर, मैंने ये टैंक का प्रोसेस वर्क में और उसके मैंने इसके डिज़ाइन को मुख्तलिफ चेंज में डिफरेंट डिज़ाइन में चेंज किया है। और इस पर मैंने मतलब बहुत से ऐसे कलर यूज़ किए हैं, और इस पर गोल्ड जिसमें इसमें खुशों के अलग अलग से नाम होते हैं, जिसे गोल्डन कलर गोल्डन सिल्मा पम्पी कहते हैं, और खुशा गज मोती। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इरम बतौर और मेरा ये काम है मिनिएचर मटेरियल, ये मैंने मसीह का कवर बनाया है। لا نحتاج المال كي نستهدف جمالا.
लें अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।